हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हो रहे हैं दोपहर के 1:30, और मैंने काफ़ी लंबे समय से आप लोगों से बात नहीं की। समथिंग 3 मंथ हो गए मैंने आप लोगों से बातें नहीं की हुई हैं, क्योंकि मैंने कोई भी वीडियो वगैरह शूट नहीं की है। बस शॉर्ट वीडियो वगैरह ही अपलोड की है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और बेबी अभी छोटी सी है, तो इसकी वजह से मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी है। तो आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। हमने कहा इसी बहाने आप लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी। और अब मैं सोच रही हूँ, तो धीरे धीरे मैं आज से वीडियो अपलोड करना शुरू करूँगी, क्योंकि ये होता है ना कि सर्दियों में कहाँ जाए, आराम से बैठे बैठे अपना आप लोगों से बातें ही किया करूँगी। तो बस मैंने ये सोचा है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल मोनिका सिंह। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों का नया साल कैसा रहा। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जुबान फिसल रही है, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, मेरे शब्दों को समझने की कोशिश कीजिएगा। और मुझे जुकाम भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, आप लोग समझ रहे होंगे मेरी आवाज़ से कि मुझे जुकाम हो रखा है बहुत ज़ोर। समथिंग 1 वीक हो गया मुझे जुकाम होते हुए, और दवा भी खा रही हूँ, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि दवा का कोई असर ही नहीं है। तो कोई नहीं, सही हो जाएगा। बाकी घर में काम होता है, तो काम करने पड़ते हैं, पानी वगैरह के, तो इस वजह से नहीं सही हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं, सही हो जाएगी 1 या 2 दिन में। आज मैं ठंडी ठंडी सी, सॉरी, गर्म गर्म सी चाय और काढ़ा दोनों बना बना के पीऊँगी। चाय तो फिलहाल मैं पीती हूँ दोनों टाइम पर, आज से मैं 3 टाइम पीऊँगी। शायद उससे दवा से फ़ायदा नहीं मिला, शायद चाय से फ़ायदा मिल जाए। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ ठंडी कैसी पड़ रही है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मतलब धूप, कल से धूप नहीं निकली है। 1 तारीख को धूप निकली थी, उसके बाद से कोई धूप नहीं निकली है। और कमेंट में आप लोग बताइए कि आप लोगों का नया साल कैसा रहा, आप लोगों ने सेलिब्रेट किया कि नहीं किया। हमारे यहाँ तो नया साल अच्छा ही था, सेलिब्रेट नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ एक लोगों की डेथ हो गई थी, तो उनकी 13वीं थी उस दिन, 1 तारीख को। तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट नहीं कर पाया, और मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, इस वजह से मैंने कुछ सेलिब्रेट नहीं किया। बस जैसे सब डेज रहते हैं, वैसे ही हमारा वो नॉर्मल डेज ही था। बाकी देखते हैं, हमारा बर्थडे आने वाला है, तो आप लोगों को शायद पता ही होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सब रखिए बता देंगे। अब हमारा इसी मंथ में बर्थडे आने वाला है, तो देखते हैं बर्थडे अपना सेलिब्रेट करेंगे। बाकी दोस्तों, आप लोग अपना ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए मुझे। और दोस्तों, मुझे आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग बिल्कुल भी मतलब वीडियो को वॉच ही नहीं करते, ना ही तो मुझे फॉलो करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे आप लोगों की हेल्प मिल सके। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, आप लोग प्रे कीजिएगा कि मेरी तबीयत थोड़ा सा सही हो जाए, क्योंकि सर्दी की वजह से मुझे कभी कभी बुखार भी आ रहा था। 2-3 दिनों पहले मुझे बुखार भी आ रहा था, अब तो फ़िलहाल मैं सही हूँ। और हमारी प्रिंसेस के लिए प्रे कीजिएगा कि हमारी प्रिंसेस भी अच्छे से रहे और मैं भी अच्छे से रहूँ। बाकी मैं तो गॉड से प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहें, आप लोग हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें, ऐसे ही जैसे अभी आप मेरी वीडियो को देखते समय हंसते और मुस्कुरा रहे हैं ना, बस ऐसे ही आप लोग हंसते और मुस्कुराते रहें। और मेरे सभी चाहने वालों को, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से उनका स्वागत है कि आप लोग मुझे इतना प्यारा सपोर्ट दे रहे हैं। कोई बात नहीं, नहीं दे रहा है, फिर भी मैं बोल रही हूँ ना कि आप लोग प्यारा सपोर्ट दे रहे हैं, कोई बात नहीं, देते रहेंगे। मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, और मैं आप लोगों से क्या बोलूँ, ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मैं ब्लॉग को शॉर्ट ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियो फिर ज़्यादा कोई वॉच नहीं करता है, तो शॉर्ट वीडियो ही अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक बात मुझे आप लोगों से और करनी है, इम्पोर्टेंट डिस्कशन। डिस्कशन ये है दोस्तों कि हमारी जो भाभी है, उनकी सिस्टर की मैरिज हो रही है, तो जिस किसी को भी आना है वो आ सकता है। और आज से 2 दिनों बाद शादी है उनकी, तो जिस किसी को भी आना है वो आ सकता है, आप लोगों का वेलकम है हमारे घर में। और बस यही इम्पोर्टेंट बात थी आप लोगों से जो मुझे शेयर करनी थी।
और मेरा ये लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके। फिलहाल नाई देखो, मेरे नाई मेरे बाल बंधे हुए हैं, मेरे बाल खुले हैं। मैं आप लोगों से सच्ची बताऊँ ना, मैं कभी भी मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मैं अपने बाल कभी भी नहीं बांधती, कभी भी। मतलब कि वैसे क्लेजर वगैरह सारा कुछ लगा लेती हूँ, रबड़ बैंड वगैरह, बट मैं अपने बालों में कभी कॉम्ब नहीं करती, कभी भी। मेरा ये रिकॉर्ड है, आप लोगों ने शायद कभी नोटिस करना आप लोग मेरी वीडियो में, मैं अपने मेरे बाल हमेशा आपको बिखरे हुए ही मिलेंगे मेरी वीडियो में। चाहे मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँ या ब्लॉग बनाऊँ, मेरे बाल आपको हमेशा उलझे ही मिलेंगे। क्योंकि मुझे ना बाल बांधना बहुत ज़्यादा आला जाता है यार, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत मुश्किल लगता है सच में। जब मेरे हस्बैंड आते हैं ना, वही मुझे डांटते हैं कि बाल क्यों नहीं बांधती हो। मैं बोलती हूँ कोई नहीं, टाइम नहीं मिलता, ये वो है। बट मुझे मतलब पता नहीं, यहाँ ना सब कुछ कर लूँगी, पूरा मेकअप कर लूँगी, सब कुछ रेडी हो जाऊँगी, बट बाल मुझे बांधने में बहुत गुस्सा आती है, इरिटेट करते हैं मुझे बाल। एक तो छोटे छोटे से बाल हैं, उनको भी क्या बांधना, तो फटाक से मैं बस फटाक से बन बना लेती हूँ या तो क्लेचर लगा लेती हूँ बस। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मेरा ये लुक आपको कैसा लग रहा है। और देखिए आज मैंने साड़ी पहन रखी है, आप लोग बोलते थे कि मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, साड़ी नहीं पहनती हूँ, तो देखिए मैंने साड़ी पहन ली। और मेरे हस्बैंड भी मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, साड़ी नहीं पहनती हूँ, साड़ी नहीं पहनती हूँ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब साड़ी मैं पहनने की कोशिश करती हूँ, समझ जाए। क्योंकि अभी सर्दियाँ आए, सर्दियों में साड़ी पहन लूँगी पहन लूँगी, फिर गर्मियों में मुझसे संभाली नहीं जाती है, तो गर्मियों में तो वैसे भी नहीं पहन पाऊँ। मैंने सोचा कोई बात नहीं, जब तक सर्दी है उतने दिनों ही मैं पहन लूँ साड़ी। तो दोस्तों बस यही सारी बातें हैं। और दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।